गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन किए थे, किसके? इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के हमारे पास तीन मेथड हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में दो मेथड हैं। पहला, व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, मतलब विद द हेल्प ऑफ मीन। सेकेंड, व्हेन नो डेविएशन आर टेकन, कोई डिफरेंस नहीं लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेकेंड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट में स्केयर रूट एफ डी स्केयर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्केयर। एन क्या है आपका? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टेप डेविएशन में यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी, डी डैश। डी डैश का मतलब होता है एक्स माइनस ए अपॉन सी। क्लियर? तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में दो मेथड हैं, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, पर इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करके बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप मेथड कोई भी लगाएं, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। तो पहले हम करेंगे व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो उन्होंने आपको टर्म दी वो लिख लो। एक एक्स दिया, एक एफ दिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, F2, 7, 11, 15, 10, 4 और 1। पहला लगा रहे हैं व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो फॉर्मूला लिख लो उसका, यहाँ लिख लो चाहे, व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीन। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करो, मीन चाहिए पहले, 10, 70, 15 × 11, 165, 20 × 15, 300, 250, 120 और 35। फिर उसका सम, इसका सम बनता है 950। फिर फ्रिक्वेंसी का सम भी चाहिए, करिए, ये बनता है हमारे पास 50। देखिए 950 अपॉन 50 इज 19। अब क्या लेनी है? डेविएशन x माइनस 19 करो। 5 − 19 − 14 − 9 − 4 1 6 11 और 16। फिर इसका स्केयर, 14 का स्केयर 196 81 16 1 36 121 256। फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना? फ्रीक्वेंसी से करो, कितना बनता है? 392 196 × 2। फिर 567 176 15 36 × 10 360। फिर 484, फिर 256। फिर उसका सम करिए, 2250 रखो यहाँ पे, 50 अपॉन सम ऑफ फ्रिक्वेंसी 5, कितना बन जाएगा ये? 45 का स्केयर रूट 6.708। अब इसी क्वेश्चन को किससे करेंगे? व्हेन नो डेविएशन आर टेकन फ्रॉम ऑल बाय डायरेक्ट मेथड ही करते हैं फिर। तो अभी सेकंड मेथड से करते हैं इसको। सेकंड में क्या था? व्हेन नो डेविएशन आर टेकन, तो फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स स्केयर अपॉन समेशन एफ होल स्केयर। यहाँ मेथड वन कर लिया, यहाँ मेथड टू कर लेते हैं ताकि सामने सामने दिख जाए वैल्यू क्या है। हमें क्या चाहिए? x का स्केयर लिख लिया, और क्या चाहिए? एफ एक्स का स्केयर, और f इंटू एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। करिए, x का स्केयर, f x का स्केयर
एक्स का स्क्वायर 25, 100, 15, 225, 400, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर कितना आ गया 1225। एफ इंटू एक्स स्क्वायर, एफ को मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 2 50, 100 इंटू 7 700, फिर 15 इंटू 400 दैट इज 6000, फिर 6250, फिर 36, फिर इसका क्या चाहिए समेशन, समेशन इसका बनता है ये रखो एफ एक्स स्क्वायर दैट इज 20300 अपॉन समेशन एफ 50 एफ एक्स अपॉन 50 का स्क्वायर, यही बनेगा। जो टर्म कैंसिल होती हैं वो करिए इसमें, ज़ीरो से ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, हमारे पास बचता है 20 अपॉन 5, 95 अपॉन 5 का स्क्वायर, इसको यहीं कर लेते हैं। ये कैंसिल होता है, हमारा आता है 406, इसको अगर करें 5 के टेबल से जाएगा ये, दैट इज 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर आएगा 361, दैट इज 45, 45 का स्क्वायर रूट 6.708। तो चाहे इसको इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से, दोनों केस में आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर? तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।